बढ़िया कुंडा हो चुका है। पुराने पासपोर्ट पे एंट्री की थी, नए पासपोर्ट पे नया वीजा लग गया है। पुराने पासपोर्ट पे एंट्री थी, नए पासपोर्ट पे एंट्री नहीं है। ठीक है, मतलब गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की शुरुआत हो गई है बहुत ही लेट और कूड़ा हो चुका है। छोटे के पासपोर्ट के साथ धोखा हो चुका है, हमें वापस अब लेने जाना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट का चक्कर, फिर एक और चक्कर। दुबला क्या कर रहा है भाई? बढ़ना। इसने पुराने पासपोर्ट पे एंटर कर लिया और नए पासपोर्ट पे वीजा लगना है। रेडी गो। आई वो डॉगी, ऐसे डॉग्स पकड़ते हैं, पता है। गाइस आज बढ़िया पार्किंग मिल गई है, नहीं तो हमने उधर खड्ड में लगाई थी। पर सीन है बाहर पार्किंग करने का, एकदम गर्मी में ना एकदम चकाचक जल जाती है गाड़ी, भी बैठ के जल जाएंगे आप। चेक आउट माय न्यू शूज, सम पैंडल्स। पता है यहाँ पे हम रील बना सकते हैं, जैसे हम चलेंगे ना बंदे रुक जाएंगे। देखो अच्छा चल ठीक है, नहीं मिला रहे भाई। फिर हम आगे एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए बहुत ही तेजी से टिक्की कॉफी पीते हैं, बढ़िया एकदम। सो गाइस बढ़िया कुंडा हो चुका है। कुंडा ये हुआ है कि भाई मैं क्या बताऊं, मतलब पुराने पासपोर्ट पे एंट्री की थी, अब नए पासपोर्ट पे नया वीज़ा लग गया है। पुराने पासपोर्ट पे एंट्री थी, नए पासपोर्ट पे एंट्री नहीं है, तो ब्रैकेट्स हो गया समझ लो। और दुबई में दो UID नहीं बनते, उसको दो बन गया। तो अब हम वापस कल जा रहे हैं इंडिया और फिर वापस आ जाएंगे, तो फिर एंट्री ऑटोमेटिक लग जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे कुंडा भी होगा, और अगर अभी देते तो पासपोर्ट मिलता नहीं, और हमें दिल्ली पहुँचना है। दिल्ली की ट्रेन ना मिस हो जाए, तो कल की टिकट बुक हो गई, हम पहुँचेंगे दिल्ली। और चो मैंने बताया नहीं है, इधर तुम लोग दिल्ली के मीटअप कर रहे थे, एक कोलैब भी आ गया जिसमें मीटअप चाहिए और फॉलोअर्स के साथ फोटो डालनी है। मैं कहा ये सही है यार, ये हो जाए। हाँ गुड़गांव में मीटअप हो रहा है, सब आया ना वहाँ। मैं स्टोरी डालूंगा और उसके बाद लिख दूंगा कि यहाँ पे कल ही परसों अभी आ गया ना, उसमें स्टोरी रिकॉर्ड करनी है पर थोड़ी देर पहले डालनी है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि गुड़गांव में मीटअप होगा और हम डालेंगे कि हे गाइस सैटरडे ना है, सैटरडे हाँ 1st को मीटअप है, तो आ जाना। ब्रैकेट्स क्या तू क्या हंस रहा है? इशू भी आ रहा है, इशू को भी हम लेके जा रहे हैं दहेज में। सो गाइस बढ़िया वर्कआउट हो गया, मस्ती टाइम ऑल द टाइम। कितने हो गए? मैंने अभी नोटिस किया ये नई वाली वॉच में ना जोन्स भी आते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो मोस्टली मैं जोन 4 पे रहता हूँ। 44 मिनट्स, आधा घंटा हमने कार्डियो किया और उसके बाद कोर किया। पहले डर लगता है कि शिट यार मन नहीं करा, पर जब कर लो उसके बाद लगता है कि यार ये तो ईजी था, कर लेते चुपचाप। एनीहू कल वापस जाना है, जाने से पहले सारा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, सारा बंदोबस्त रखे कि नहीं। मम्मी के लिए सामान लेके जाना है, वृंदा की मम्मी के लिए सामान लेके जाना है, सबका सामान लेके जाना है। देखा जिंदा के मेरी सांसें उसमें ठीक हो जाती है, सांस। आज तो बढ़िया पतला लग रहा है इसमें जय यार। ये 1 मिलियन के बाद ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ बढ़ ही नहीं रहा। बार बार इंसाइट में आकर देखना पड़ता है कुछ बढ़ रहा है कि नहीं मामला। एंड ही बढ़िया वापस जाके हम पार्टी करेंगे। मीटर पर मैंने तुम्हें बता दिया है, और मेरा पुराना आईफोन किसी को चाहिए तो उनको इशू मुझको DM करो, तंग करो। मैं सोच रहा था वैसे कि क्या फालतू में सारे फ़ोन रख के करता हूँ, सबको निकालो फालतू का गंदा। कद्दूकस ऐसे करेंगे 6 पैक्स। सो गैस वैसी वृंदा मनाली जाके थोड़ी सी ऑफ हो जाती है, उसको अपने अपना करना होता है। तो मैं सोच रहा हूँ मनाली जाके हम इस बार एक क्लाइंब ट्रिप कर ही आए हम, बहुत टाइम से मन था। और अब मेरा वापस शरीर ठीक हो गया, तो बताओ क्लाइंब करना चाहिए कि नहीं क्लाइंब, उसमें बताओ कमेंट्स में। हो मेलमान क्या मनाना देखें क्या एडिटिंग। छोटे संस्कार का पीछा छोड़ दे भाई, तो डाला ही नहीं मैंने इतना सा, तब से जंस का डाले जा रहा है क्या मैंने। जी मेरा फेवरेट सीन है, मेरा फेवरेट शो है ब्रेकेट्स। नो बट अब इसके बाद वीड का पूरा बैग है, इसके दोस्त ने इसको बोला यहाँ पे रूम पे दे के आ, इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी। अब देखो क्या करेगा ये, एक्सक्यूज मी निकल जाएगा इसका। I'm just trying to ditch the car. Excuse me, Mr. Sorkin, you are 5 minutes late. Is there a reason why I should let you in? Look, I'm just trying to ditch the cops, okay? I don't really care if you let me in or not. Guys, defender bad boy लग रही है एकदम. Bad boy. कोई ऑन रोड प्राइस पता करके बताएगा कमेंट्स में कि कितने की पड़ती है इंडिया में। ओए खुली थी साला। सो गाइस गाड़ी फिर नहीं बेची और कल फिर से हम जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ अपनी बहन के घर पार्क कराऊंगा, उसको बोलता हूँ बेचे इसको, उसको कमीशन दे दूंगा। 1% खुश हो जाएगी। वैसे नहीं दे रहा मैं, बहुत होती है 1%, उसको 100 दिरहम दूंगा। एनीहू बताओ इसकी ऑनर प्राइस क्या है। मैं सोच रहा हूँ अगले महीने का एक टारगेट सेट करता हूँ कि इतने पैसे अगर कमा लिए तो फिर हम बढ़िया गाड़ी लेंगे। क्या कहते छोटे मेरे माई बट नो बट वाई बट नो जल्दी से ठीक हो जाए मेरे भाई। So guys, हम देख रहे हैं बढ़िया फर्नीचर and some shopping before we go to Delhi। Guys, ये देखो सेम डिट्टो चांदनी चौक में थी। चांदनी चौक में भी इतने ही थे, मतलब चांदनी चौक में सेम थी वाली इसका था भाई। चांदनी चौक में ज़्यादा महंगी मिल रही थी ब्रैकेट्स। ये अपने अरबिका लेते हुए बोल रहा हूँ भाई, कॉफी ब्रांड कुछ करना पड़ेगा। So guys, मुझे भी याद है मैं भी छोटे को बताया था, एक मैंने जूते पे ना बिड लगाई, अगर वो जूता मिल गया तो मेरी पूरी कलेक्शन में सबसे महंगा चीज़ आ गया। तो मैंने इतनी गंदी भीड़ मारी है कि चल बुरा भी ना लगे और मिल गया तो चल फिर अच्छा लगेगी। इतने सस्ते मिल गया, बहुत कम चांसेस है प्रेकर में मिल जाता है, बहुत रेयर है इंडिया में, पता नहीं होगा आधे लोग। वैसे सारे स्नीकर हेड हैं सबको पता होगा।